हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे इंस्टेंट डोसा किस तरह और कैसे बनाया जाता है, जो बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाता है और फटाफट बनाकर ये खाया भी जाता है। अब आपको घंटों तक वेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, या फिर रात को दाल भिगो कर रखने की भी ज़रूरत नहीं है। दाल चावल रात को भिगो कर रखते हैं तब बनाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊँगी फटाफट इंस्टेंट डोसा किस तरह और कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, मैंने ये लिया हुआ है चावल का आटा। ये एक कटोरी में चावल का आटा ले लेती हूँ और फ्रेंड्स, इसी में हम कुछ डालेंगे अपने वेजिटेबल। वो ऑप्शनल है, अगर आपके पास जो भी वेजिटेबल हो वो आप डाल सकते हो, और नहीं अगर डालना पसंद करते हो तो वो आप स्किप भी कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा जीरा, हाफ टी स्पून जीरा, बारीक कटा हुआ टमाटर, ये कुछ मैंने इसमें सब्जियाँ ली हुई हैं, ये एक प्याज है, एक छोटी शिमला मिर्च और ये धनिया की पत्तियाँ, तो ये भी मैं इसी में डाल दूँगी। इससे हमारे डोसे का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो देखिए, ये मैंने इसमें डाल दिए हैं और अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो देखिए, ये मैंने हाफ टी स्पून नमक ले लिया है, ये नमक भी मैं इसी में ऐड कर देती हूँ और इन्हें अच्छे से मिला लेती हूँ। वेजिटेबल आपके पास जो भी अवेलेबल हो वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे पानी। तो देखिए, पानी मैंने इसमें डालूँगी इसी कटोरी के नाप से ही। मैंने एक कटोरी ये चावल का आटा लिया था, तो दो कटोरी हम इसमें पानी डाल लेंगे। तो देखिए, ये मैंने दो कटोरी इसमें पानी ऐड कर लिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, मैंने इसमें इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हो। और अब हम इसे थोड़ी देर के लिए एक साइड में रख देंगे और अब हम करते हैं तैयारी अपनी चटनी की। तो फ्रेंड्स, देखिए, मैं इसी में डालूँगी 2 से 3 पत्ते करेंगे, इससे हमारे डोसे में बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। ये मैं तोड़ तोड़ के डाल लेती हूँ। अब हम इसे एक साइड में रख देंगे। और फ्रेंड्स, ये लिए हमने नारियल, ये कच्चा नारियल है, और इसे हम डालेंगे अपने मिक्सी के जार में, क्योंकि हमें इन्हें ग्राइंड करना है। हम इसके साथ बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी नारियल की चटनी भी बनाने जा रहे हैं। तो देखिए, अगर आप चाहो तो ये काली परत है जो इसके उतार सकते हो, लेकिन मैं इसे इसी तरह यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए, 3 से 4 पीसेस मैंने नारियल के लिए रखे थे, ये मैंने इसमें डाल लिए हैं। तो देखिए, 2 मैंने हरी मिर्च भी डाल ली है इसमें। तो फ्रेंड्स, मैं इसमें लहसुन नहीं डाल रही हूँ, मैंने लहसुन को स्किप कर दिया है। अगर आप खाना पसंद करते हो तो आप इसमें लहसुन डाल सकते हो। और अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी नमक, स्वाद अनुसार नमक। तो देखिए, मैं इसमें नमक डाल रही हूँ और अब आपको इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे अपनी मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी, आपको ज़्यादा पानी नहीं डालना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने नारियल को बिल्कुल बारीक अच्छे से मिक्सी के ग्राइंड में पीस लिया, ग्राइंड कर लिया है, आप देख सकते हो। नारियल की चटनी बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छे बनकर तैयार होते हैं। और अब हम इस पर रखेंगे एक छोटा सा पैन, अपने गैस को ऑन कर लेंगे और इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी या ऑयल, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वहीं आप इसमें यूज़ कर लीजिएगा। मैं इसमें 2 स्पून घी डाल रही हूँ, मैंने 2 स्पून इसमें घी डाल लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसमें डालूँगी 1/2 टी स्पून राई और इसी में डालेंगे हम 2 से 3 मिर्ची और इसे अच्छे से हिला देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इसका और भी अच्छा फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 टी स्पून अपने सरसों के दाने और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो देखिए, अब धीरे धीरे हमारे सरसों के दाने चटक रहे हैं और राई भी, अगर आपका घी ज़्यादा गर्म होगा तो आपकी राई भी चटकेगी, तो इसलिए आप इसे मीडियम फ्लेम पर रखें। और अब इसी पोजीशन में मैं इसमें डाल दूँगी अपने करी पत्ता। तो देखिए, मैंने इसमें करी पत्ता डाल दिया है और इसे धीरे से थोड़ा थोड़ा हिला दूँगी और इस तड़के को हम एक साइड में रख लेंगे। और जो हमने नारियल की चटनी बनाई थी उसे हम अपने इस जार में डाल लेंगे, अपने इस काले बाउल में डालेंगे। और इसी के अंदर अब हम अपना तड़का भी डाल देंगे। अगर आपको हमारी ये
चटनी की वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। ये मैंने पहले भी बना के तैयार कर रखी हैं। तो देखिए, ये हमारी नारियल की चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई है, तो इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। करी पत्ते की खुशबू बहुत ही अच्छी होती है, जो चारों तरफ फैल भी जाती है और हमारे चटनी में काफ़ी अच्छा स्वाद लाती है। तो आइए, अब हम अपने बैटर की तरफ चलते हैं। अब हम अपने बैटर को देखते हैं, हमारा बैटर अच्छे से फूल चुका है या नहीं। तो देखिए, हम अपने बैटर को देख लेते हैं। यह काफ़ी पतला बैटर है, आप देख सकते हो। आपको अपना बैटर इसी प्रकार का बनाकर तैयार करना है। अब हम रखेंगे अपनी गैस पर तवा। तो देखिए, मैंने तवा अपने गैस पर रख दिया है और अपने घोल को अच्छे से हिला हिला के हमें अपने इस तवे पर डालना है। तो अभी हम नहीं डालेंगे क्योंकि हमारा तवा अभी अच्छे से गर्म नहीं हुआ है। पहले हम इसे अपने कपड़े से पोंछ लेंगे। तो देखिए, मैंने इसे कपड़े से पोंछ लिया है और अब हम इसे हल्का सा ग्रीस करेंगे घी से। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा घी अच्छे से इस पर मेल्ट हो चुका है। अब हम अपने घी को एक टिशू पेपर की सहायता से चारों तरफ लगा लेंगे ताकि हमारा तवा चिकना हो जाए और हमारा डोसा इस पर चिपके नहीं। वैसे तो ये मैंने नॉनस्टिक तवा लिया हुआ है, इस पर चिपकेगा नहीं बिल्कुल भी। तो देखिए, अब हम अपने बैटर को अच्छे से हिलाकर इस पर फैला देते हैं। आपको इसे एक बार ज़रूर हिलाना है, अगर आप हिलाओगे नहीं तो नीचे की तरफ आपका चावल का आटा रह जाएगा। अब इसे आप हाई फ्लेम पर धीरे धीरे पका लेंगे। देखिए, इसमें सब्जी का टेक्सचर कितना अच्छा दिख रहा है, आप देख सकते हो। धीरे धीरे आप इसे लो फ्लेम पर ही पकाएंगे। हाई फ्लेम पर अगर एकदम करेंगे तो यह जल भी सकता है, तो आप इस बात का खास ध्यान रखें कि आपको इसे लो फ्लेम पर ही पकाना है। अब इसे 1 से 2 मिनट लगेगी पकने में, तो आप इसे इसी तरह छोड़ दीजिएगा। तो देखिए, मैं इस पर थोड़ी देर के लिए अपना ढक्कन शिफ्ट कर देती हूँ ताकि यह धीरे धीरे पक जाए। वेजिटेबल डोसा बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छा लगता है, खासकर जब इसमें आप ऑनियंस और सभी तरह के ये वेजिटेबल डाल देते हो तो आपका यह डोसा बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, अब हम अपने डोसे को पलट के दिखाएंगे आपको। तो आप देख सकते हैं, ये चारों तरफ से ड्राई हो चुका है। तो धीरे धीरे हम अपने डोसे को पलट लेंगे। देखिए, यह दिखने में कितना बढ़िया बना हुआ है, आप देख सकते हो। इसका कलर बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा आया हुआ है, यह काफ़ी क्रिस्पी भी बना हुआ है। तो अभी मैं इसे थोड़ा सा और सेक लूँगी। फ्रेंड्स, यह इंस्टेंट डोसा है, फटाफट बनकर तैयार हो जाता है, तो इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब मैं इसे आपको दूसरी तरफ से दिखाऊंगी। तो आप देख सकते हो, यह तवे पर बिल्कुल नहीं चिपका है क्योंकि मैंने नॉनस्टिक तवा लिया था। तो आपसे मैं यही कहूँगी कि डोसे के लिए आप नॉनस्टिक तवा ही यूज़ करें। तो मैंने दूसरी तरफ से इसे फिर से पलट दिया है। तो अब मैं इसे अपने प्लेट में निकाल लूँगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं इस पर थोड़े से पानी की छींटे लगाऊँगी और फिर से इस पर तो देखिए, अब हम अपने बैटर को फिर से हिला लेते हैं और फिर से इसके ऊपर इसी प्रकार फैला लेते हैं। देखिए, मैंने अपने डोसे को चारों तरफ फिर से फैला लिया है। अब हम धीरे धीरे इसे भी इसी तरह पकने देंगे। फ्रेंड्स, इस तरह आपका डोसा बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होता है। तो देखिए, धीरे धीरे हम इसे भी इसी तरह पका लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस पर जो अपना मिक्सर डाला था उसका भी डोसा बनकर तैयार हो चुका है। अभी मैं आपको इसे पलट कर दिखा देती हूँ। देखिए, हमारा डोसा कितना क्रिस्पी बना हुआ है, आप देख सकते हो। धीरे धीरे आपको अपने डोसों को इसी तरह सेक लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, इसमें बहुत ही अच्छी जाली आई हुई है और ये काफ़ी क्रिस्पी बना हुआ है।
हम इसे पलट के दोनों तरफ से सेक लेते हैं। इस डोसे को आपने एक बार बनाकर खाया तो आप बार बार बनाकर खाएंगे, ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होता है। आप इसे एक बार मेरे कहने से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, एक बार आप इसे ट्राई ज़रूर करना, ये आपके घर में बड़े बच्चे और बूढ़ों को बहुत पसंद आएगा। तो देखिए, आप देख सकते हैं काफ़ी क्रिस्पी भी बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो का लिंक मिलता रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा डोसा कितना क्रिस्पी और कितना बढ़िया बना हुआ है। देखिए, यह बहुत ही कुरकुरा और बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुआ है, आप देख सकते हो। तो इसी प्रकार आप डोसा बनाकर और इसे अपनी नारियल की चटनी के साथ ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। तो देखिए, हमारा डोसा बनकर तैयार हो चुका है, आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएँ ताकि आपको हमारी नई वीडियो का लिंक मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, अगली एक ऐसी ही न्यू रेसिपी के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।